हेलो यॉल, मैं दीपा आप सभी का दीप्स रेसिपी में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा। ठंडी का मौसम है और इसमें मूंग दाल खाने का कुछ मज़ा ही और है। तो चलिए जानते हैं इस मूंग दाल के हलवे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप घी, 1 कप मूँग दाल। मूँग दाल को मैंने ओवरनाइट सोक करने रख दिया है। जब सोख हो जाए तो दूसरे दिन हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और 1.5 कप शक्कर। सबसे पहले हम एक पैन में देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। घी के गरम हो जाने पर हम इसमें 1 चम्मच रवा और 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से सौते कर लेना है। इन दोनों के पक जाने पर हम इसमें ग्राइंड करी हुई दाल का पेस्ट डाल देंगे। दाल को इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी में इसे हमें पकाना है, इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम देख सकते हैं जो हमारी दाल है उसने पूरा घी एब्सॉर्ब कर लिया है। अब आप इसे जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा ये घी छोड़ेगा। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। इसे हमें पूरे टाइम चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो यह नीचे तले में लगने लगेगा। दोस्तों, मूंग दाल हलवे को स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है उस दाल को धीमी आंच पर घी में पकाना। तो इसलिए हमें इसे काफ़ी देर तक घी में मध्यम आंच में ही पकाना चाहिए, तभी हमारी दाल का स्वादिष्ट टेस्ट आता है। और इस तरह पकाने से हलवे का रेतीला टेक्सचर आने लगता है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारे हलवे ने घी छोड़ना चालू कर दिया है। इसका मतलब है कि ये आधा पक चुका है। इसे इसी तरीके से इस स्टेज पे हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसे हमेशा चलाते रहिए। और इसी बीच में हम शुगर सिरप बना लेंगे। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में हम 1 गिलास पानी ले लेंगे। अब इसमें 1.5 कप शक्कर हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। हमारी चाशनी करीबन 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम 2 पिंच कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा केसर का पानी डाल देंगे। देखिए, ये हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो गई है। और जो हमारा हलवा है उसमें भी घी छोड़ना चालू कर दिया है। अब हम इस चाशनी को हमारे हलवे में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हलवे का कलर भी चेंज होना चालू हो गया है और उसने घी छोड़ना भी चालू कर लिया है। हम देख सकते हैं काफ़ी सारा घी हलवे से सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और इसे इसी तरीके से चलाते रहे और घी वापस से वो यूज़ हो जाएगा।
और देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।